स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं वीके सौरभ आज आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियां लेकर के आया हूँ। जैसा कि हमें पिछले क्लास में जाना था कि बिहेवियर स्किल्स क्या क्या है, आज हम उनमें और जानकारियों को समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता। तो स्व जागरूकता वह दर्पण है जिसमें एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों, कौशल, हितों, भावनाओं और अपनी सभी बेहतरीन नॉलेज को समझता है और उस पर मंथन करके उसको और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो हर एक व्यक्ति को अपना सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस करना ही चाहिए, जिससे कि वह अपने कार्यस्थल पर अपनी पहचान बना सके और अपने में निरंतर सुधार करते हुए अपने आप को प्रगति की ओर ले जाए। तो जैसा कि ये टैगलाइन है, फूड स्टेप टू सक्सेस, अर्थात कि जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो हम सक्सेस की ओर अपनी कदम को बढ़ाते हैं। इनमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं और इन पर चर्चा करते हुए, इनको समझते हुए अपने सक्सेस को प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, कि कोई भी व्यक्ति किस पर्सनालिटी का है और वह अपने पर्सनालिटी को और कैसे बेहतर बना सकता है। दूसरा है थिंकिंग, वह क्या सोचता है, किस स्तर से सोचता है और सामने वाले को अपनी सोच से कौन कौन की बातों को समझा पाता है। थर्ड है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उस व्यक्ति की, उस ट्रेनर की स्ट्रेंथ क्या क्या है और वीकनेस क्या क्या है। जब व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचान लेता है तो वह उस स्ट्रेंथ से और अपने वीकनेस को दूर करते हुए अपने काम पे, जॉब प्लेस पे सक्सेस जल्दी प्राप्त करता है। और उस व्यक्ति को यह भी सोचना चाहिए कि उसकी मोटिवेशन किन किन चीज़ों से आती है, अर्थात कि एक व्यक्ति कौन कौन चीज़ों से खुद को मोटिवेट कर पा रहा है, ये चीज़ों को उसे समझना बहुत आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं बिहेवियर पे और अपने इमोशंस पे। तो जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो हमें यह भी पता चल जाता है कि हमारा बिहेवियर किस तरह से है और हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से अपने जीवन में एनालिसिस कर सकते हैं तो उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पर पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे कार्यस्थल पे हमारा उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से फोकस्ड करते हैं। तो हम अब आगे जानेंगे कि सेल्फ अवेयर करके हम किन किन चीज़ों में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसा कि पहला है गुड थिंकिंग और बैड थिंकिंग। जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, स्व जागरूक हो जाते हैं, तो हमें गुड थिंकिंग और बैड थिंकिंग का डिफरेंस पता चल जाता है और हम इस पर निरंतर सुधार करते हुए अपने गुड थिंकिंग को और अच्छा बनाते हैं। दूसरा है गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर, कि हम किसी के साथ बैड बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो जब हम सेल्फ अवेयर अपने आप को करते हैं तो हम उनमें चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि गुड पॉइंट ऑफ व्यू और बैड पॉइंट ऑफ व्यू, कौन कौन सी बातों में अच्छी अच्छी व्यू है, उन चीज़ों को हमें समझना और किसी जगह पे, किसी कार्यस्थल पे या किसी व्यक्ति में कौन कौन से बैड पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम उसे भी जान लेंगे तो हम उनमें भी बदलाव कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता जाता है और हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हुए अपने जगह पे अच्छी तरह से सक्सेस ले पाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको कि हम स्वयं से पूछ करके उसके आंसर्स को ले करके अपने आप को सेल्फ अवेयर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, हमारी शक्ति क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि कोई व्यक्ति का स्ट्रेंथ होता है कि वो किसी चीज़ को जल्दी सीख पाता है, अगर वह अपने इस स्ट्रेंथ को पहचान ले तो वह निरंतर नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते रहेगा। तो आपको भी अपने स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए खुद से ये क्वेश्चंस करना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या क्या हैं। दूसरा है व्हाट आर माय शॉर्ट टर्म गोल
एंड लॉन्ग टर्म गोल। हमारे लाइफ के शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और यह हर व्यक्ति को अपने जीवन में क्लासिफाई करना ही चाहिए कि वह किस किस तरह के शॉर्ट टर्म गोल में अचीव कर सकता है और कौन कौन किस तरह के लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की शॉर्ट टर्म गोल यह हो सकती है कि वह जिस भी जगह पढ़ाई कर रहा है या जिस भी स्टूडेंट के लाइफ में है वहाँ पे वह अच्छा टॉप आए अपने क्लास में, और उसका लॉन्ग टर्म गोल यह हो सकता है कि वह अपने नॉलेज के बाद आगे चल के एक अच्छा बिजनेसमैन बने। तो इस तरह के गोल का लाइफ में होना जरूरी है, तब आप उसी जगह पे उसी गोल पे काम कर पाते हैं। नेक्स्ट है हु मैटर्स टू मी। आपके लिए कौन मैटर करता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन। आपके लिए इन सब में से या आपके लाइफ में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या आप किन के लिए क्या करना चाहते हैं, ये चीज जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप उस गोल के लिए काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू आई लाइक टू डू फॉर फन। आपको मस्ती करने के लिए क्या अच्छा लगता है, या आप अपने जीवन में जब स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं। जैसे कि किसी को घूमना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को बात करना पसंद है, या जिसकी जो भी इच्छाएं होती है वो अपने इन चीज़ों को करके अपने स्ट्रेस को दूर कर पाता है, अपने तनाव को दूर कर पाता है। तो तनाव को भी दूर करना अपने जीवन में जरूरी है, तभी आप नई नई चीजों को अच्छे तरह से शुरुआत कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट न्यू एक्टिविटीज। एम आई इंटरेस्टेड, और willing to try। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे आप पहले करने में इंटरेस्टेड थे या उसे करने की इच्छा रखते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट के लाइफ के एक्टिविटी की बात की जाए तो किसी को क्विज कंपटीशन अच्छा लगता है, कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन में जाना पसंद करता है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं और वह उनको पास्ट में कर चुका होता है या आगे करने की इच्छा रखता है, तो इसलिए इन चीज़ों को भी जानना आवश्यक है। और जब आप सेल्फ अवेयर होंगे या खुद से इन चीज़ों को पूछेंगे तो आप इन शब्दों को जरूर खुद से जानने की कोशिश करें कि आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं या आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो करनी पसंद है। नेक्स्ट है व्हाट एम आई वरीड अबाउट। आप कौन सी चीजें से चिंतित हैं या आपको कौन सी चिंता सता रही है। आपको अगर किसी तरह की परेशानी है या किसी तरह की उलझन है तो आप उसको जानने की कोशिश करें कि आखिर उसका जड़ क्या है, और आप उसके जड़ तक जा करके उसकी तह तक जा करके उसको सॉर्ट आउट करने की प्रैक्टिस करें। अगर आप यह कर पाते हैं तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने में जरूर सफल होंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर माय वैल्यूज। व्हाट डू आई बिलीव। आपकी वैल्यूज क्या क्या हैं,
आपके मूल्य क्या क्या हैं और आप किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को भी जानें तो अपने जॉब प्लेस पे और अपने जो भी बिजनेस पर्सन्स हैं उनके साथ मिलके आप अपने वैल्यू को अच्छे तरह से आगे बना सकते हैं और आप अपनी वैल्यू के अनुसार अपने काम को निरंतर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगर काम कार्यस्थल पर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ आई कुड हैव वन विश इट वुड बी हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसी इच्छा होती है जिससे कि वह पूरा करने में पूरी जी जान लगाता है और या उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा ललायित रहता है। तो अपने उस विश को जरूर पहचाने, अगर वो पास्ट में आपको वो विश प्राप्त नहीं हुई है तो हो सकती है वो इच्छा आपकी फ्यूचर में जरूर पूरी होगी। तो अपनी इच्छाओं को कभी मारना नहीं चाहिए, निरंतर नई नई इच्छाओं को जागृत करना चाहिए और उसे अचीव करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट और हु गिव्स मी कंफर्ट, अर्थात क्या या ऐसे कौन हैं जिनके साथ आप बहुत कंफर्ट फील करते हैं या अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो ऐसा इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना आवश्यक है कि जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं या आप दैनिक जीवन में काम करते करते थक जाते हैं तो उस दौरान इन चीज़ों या इन व्यक्ति के साथ मिल करके अपने आप को आप कंफर्ट कर सकें, रिलैक्स कर सकें, ताकि एक नया स्टार्ट, एक नया लेवल से आप अपने आप को स्टार्ट कर पाएं और उस काम में या जो आप काम करते हैं या जो करना चाहते हैं उसमें एक नई एनर्जी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माय प्राउडेस्ट accomplishment, आपके लाइफ में या आपके पास्ट लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जिसको कि आप प्राप्त करके खुद को बहुत प्राउड फील किए हुए हैं या करना चाहते हैं। तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्राउडेस्ट मोमेंट हो चुके हैं या वो उस प्राउडेस्ट मोमेंट को करने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा किसी रेस में जीतता है और या फर्स्ट आता है तो उसके लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, उसको हमेशा जानने की कोशिश करें और उसके बाद उस अचीवमेंट्स के लिए आगे ट्राई करते रहें या अपने पावर को या अपने स्ट्रेंथ को पहचान करके न्यू स्ट्रेंथ को बनाते रहें। सेल्फ अवेयरनेस में आगे की जानकारियां लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।